केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की मां और ग्वालियर राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। बुधवार सुबह दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। सिंधिया परिवार की राजमाता पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थी। वो न्यूमोनिया के साथ साथ सेप्सिस से भी पीड़ित थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया के निधन से दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक शोक की लहर है। उनके निधन से ग्वालियर राजघराने को बड़ी क्षति पहुंची है। दिल्ली में निधन के बाद माधवी राजे के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ग्वालियर लाया जाएगा। पिछले दिनों तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले ही ज्यादा तबीयत बिगड़ने की वजह से सिंधिया परिवार की राजमाता को दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। गुना संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे व बेटे महाआर्यन सिंधिया को बीच बीच में चुनाव प्रचार छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।